स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफर्टलेस फिजिक्स। माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट। जैसा आपको पता है ये रिवीजन लेक्चर्स चल रहा है, आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो इतने कम टाइम में हम सारा पूरा चैप्टर फुल डिटेलिंग में तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट आई कैन अश्योर यू व्हाटएवर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम्स विल बी कवर्ड इन दिस सेशन। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है। तो जो एसी जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटिंग सर्किट, डीसी होता है डायरेक्ट सर्किट, तो जो एसी जनरेटर होते हैं वो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं वो टाइम पे डिपेंड करते हैं, मतलब टाइम के साथ वो चेंज होते जाते हैं, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होती। तो ऐसे जो ईएमएफ होते हैं उनको ही हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। और उसकी जो इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब जैसे जैसे अपना टाइम चेंज होगा अपना ईएमएफ भी चेंज होगा। तो जहां पे भी ईएमएफ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहां पे करंट फ्लो होती है। तो ऐसी सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसको अपन अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एंड हियर द करंट इक्वेशन इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी करंट की इक्वेशन हो गई और ये हमारी ईएमएफ की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी काफी बार यहाँ पे ये ओमेगा टी जो है ना, ये फेज होता है, तो काफी बार इक्वेशन आपकी ऐसी भी हो सकती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सिमिलरली करंट की इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अगर हम उसको ग्राफ ले फेज का और ईएमएफ का, तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द ईएमएफ। तो यहाँ पे हमारा फेज है जीरो, यहाँ पे पाई बाय टू, यहाँ पे पाई, देन थ्री पाई बाय टू एंड देन टू पाई। और ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। सिमिलरली अगर हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो करंट का ग्राफ भी इसी तरह से आएगा, और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ लिखा है दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड द करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट इज, एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, डिफाइन पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। पीक वैल्यू क्या होती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और ईएमएफ इन ईदर डायरेक्शन, चाहे ऊपर के डायरेक्शन में हो चाहे नीचे के डायरेक्शन में हो, सेम ही होगा। तो इसको ही हम पीक वैल्यू बोलते हैं। सो दैट इज ई नॉट और आई नॉट, ई नॉट फॉर द ईएमएफ एंड आई नॉट फॉर द करंट। Now the next question is, define average or mean value of AC and find the relation between average and peak value. Average आप सबको पता ही है ना, जैसे अपन सब लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो आपके सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स होते हैं, लेकिन अपन परसेंटेज निकालते हैं, मतलब that is nothing but the average marks we can say. राइट तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो जरा ध्यान से देखना। अब अगर आप एक पूरे साइकिल में एवरेज निकालें तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट यानी एवरेज एक कंप्लीट साइकिल में जीरो से लेकर टू पाई तक कितना आएगा आपको, जीरो। तो यहाँ पे अगर एक फुल साइकिल में अपन एवरेज निकाले तो वो जीरो ही आता है, तो वो निकालने का कोई लॉजिक नहीं है। तो हम एवरेज निकालते हैं इन हाफ साइकिल, मतलब जीरो से लेके पाई तक। क्लियर, तो यहां पे अपन ने वही लिखा है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट इन वन हाफ साइकिल। समझो ना, यानी अपन एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं हाफ साइकिल का। द एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल इज ऑलवेज जीरो, पूरे एक साइकिल में तो जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, hence it has no significance. तो हम सिर्फ हाफ साइकिल का निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली what do you mean by this term, अभी समझते हैं। देखो e नॉट तो कॉन्स्टेंट है, जो चेंज हो रहा है अपना वो ये चेंज हो रहा है ना, ओमेगा टी, इसी को अपन क्या बोलते हैं अपना थीटा, है ना।
साइन के साथ जो होता है वही अपना थीटा होता है, तो यहाँ पे अपन बेसिकली एवरेज किसका निकालने जा रहे हैं, साइन थीटा। तो एवरेज इस तरह से निकाला जाता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई एंड डी थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई। अभी साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू पाई डिवाइडेड बाई थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई। ठीक है, अभी अगर मैं पुट करना चाहूं तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो। कॉस पाई कितना होता है, दिस विल गिव यू माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस टू हो गया और बाहर भी माइनस है तो ये हो गया टू बाय पाई। तो हमको एवरेज कितना मिला साइन थीटा का, टू बाय पाई। तो यहां पे जो हमारी एवरेज वैल्यू है, ये जो 2 बाय पाई है इसकी वैल्यू भी लिख देती हूँ, 0.637 अगर आप डिवाइड करोगे, सो आई एवरेज इज 0.637 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द पीक वैल्यू, दैट इज आई नॉट। सिमिलरली ई एवरेज होगा 0.637 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ई नॉट। तो ये ही रिलेशन है दोनों के बीच में, I average 0.637 I naught, या तो फिर I average is 2 by pi, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 by pi I naught। तो ये आपको MCQ में वन लाइन में मिल सकता है, तो be a little careful, got that? Great. Next is explain root mean square, that is RMS value of alternating signal। अब ये क्या चीज है इसको मैं पहले आपको explain करती हूँ, उसके बाद हम जो लिखा हुआ है वो देखते हैं। अभी देखो कैसा है ना, हम लोग, मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर हम पूरे साइकिल में देखें तो हमारा आई एवरेज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं ना, हमने यहाँ एक रेजिस्टर लिया आर, उसको हमने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट किया, टी टाइम तक कनेक्ट करके रखा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे इस सर्किट में कुछ तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेट दिस हीट बी एच, समझा। अब हमने वही रेजिस्टर को एक डायरेक्ट सर्किट से लगाया, मतलब डायरेक्ट सर्किट से, जिसको अपन डीसी बोलते हैं, वही रेजिस्टर है, यहाँ पे भी टी टाइम तक अपन ने करंट को फ्लो होने दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ये रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम तक यहाँ करंट फ्लो हो रही है, बट यहाँ जो करंट है वो कैसी है, अल्टरनेटिंग करंट। तो उतने टाइम टी टाइम में यहाँ कुछ हीट प्रोड्यूस हुई एच, वही रेजिस्टर हमने यहाँ लगाया, लेकिन अब हमने डीसी से कनेक्ट किया, टाइम टी टाइम तक करंट को फ्लो होने दिया, बट दिस करंट इज कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है, ये करंट कैसी है, कॉन्स्टेंट। यहाँ करंट कैसी होती है, यहाँ जो करंट होती है दैट इज ऑल्टरनेटिंग, जो टाइम के साथ चेंज होती है, बट ये वाली करंट ऐसे नहीं है। अब यहाँ भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करनी है, सेम रेजिस्टर के थ्रू टी टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करनी है, तो हमको यहाँ से कितनी करंट फ्लो करानी पड़ेगी, उस करंट को हम बोलते हैं आई आर एम एस। उतनी ही हीट प्रोड्यूस करनी है टी टाइम में सेम रेजिस्टेंस से, तो जो करंट हमको कांस्टेंट करंट फ्लो करानी पड़ेगी दैट इज आईआरएमएस। तो यहाँ पे यही आईआरएमएस हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, कंसिडर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू आई नॉट, यानी अल्टरनेटिंग करंट कंसिडर करो जिसकी पीक वैल्यू आई नॉट है, फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर आर, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। लेट एच बी द हीट प्रोड्यूस इन इट, वहां कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है एच, द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एच कैन बी प्रोड्यूस इन सेम रेजिस्टर आर, सेम रेजिस्टर आर से सेम टाइम में बाई पासिंग अ स्टेडी करंट। सो दिस वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट इज कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू और द वर्चुअल वैल्यू और द आरएमएस वैल्यू। तब ये आई स्क्वायर आरएमएस निकाल रहे हैं, तो बेसिकली एवरेज निकालने का तरीका भाई, आई स्क्वायर डी थीटा जीरो टू टू पाई और नीचे थीटा जीरो टू टू पाई, तो उसको हमने डायरेक्ट टू पाई लिख दिया। ठीक, अब I की वैल्यू 0 टू पाई दैट इज I नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, और ये 1 बाई टू पाई हम बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है, अब कॉन्स्टेंट I नॉट स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, 2 पाई भी कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वेयर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा
डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया 0 to 2 pi। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आई सजेस्ट यू नॉट टू डू, इसके आगे का कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना याद रखेंगे कि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, टू भी बाहर आ जाता है अगर सपोज, तो एक मिनट एक स्टेप और ले लेती हूँ। आई नॉट स्क्वायर बाई 4 pi इंटीग्रेशन 1 minus cos 2 theta d theta 0 to 2 pi। अब खाली आप लिख देना साइड में दैट 1 minus cos 2 theta d theta 0 to 2 pi। इसका जो फुल लेंथी वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेफिनेटली बना दूंगी। इसका जो आंसर हमको मिलने वाला है दैट इज 2 pi। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 4 pi इंटू 2 pi, तो पाई पाई कैंसिल, एक 2 कैंसिल हो गया, तो हमको आई आर एम एस कितना मिला, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये आई स्क्वायर आर एम एस था, तो आई आर एम एस कितना हो गया, आई नॉट बाय रूट 2। तो ये हमारी आई आर एम एस वैल्यू होती है। तो जैसे हम करंट के निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ईएमएफ की भी क्या होगी, ई आर एम एस विल बी ई नॉट बाय रूट 2। तो ये हमको करंट और ईएमएफ की ई आर एम एस और आई आर एम एस वैल्यूज मिल गई, या आप बोल सकते हैं वर्चुअल वैल्यू मिल गई या इफेक्टिव वैल्यू मिल गई। ये एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 2 mark के लिए पूछा जाएगा, सो दिस मच इज मोर देन सफिशियंट। ओके, गेट दैट? That's it in this video. Stay tuned for further videos. Till then, bye-bye. Stay safe. Take care.